dad is being honored in this function, so that's the main reason why we're here. But Society or Stardust or Savvy is jo group magazines hai unke sath bahut purana rishta raha hai dad ka aur mera bhi, so we are here for them and I hope it's a fun show. I hope it's a good event. Jitni awards sab bahut jeete aapne magar fir bhi award kitna bhatva rakhta hai. Dekhiye baat seedhi hai, टैलेंट को शाबाशी मिलनी चाहिए, अच्छा काम करने वाले को शाबाशी मिलनी चाहिए और शाबाशी देने का काम ये ग्रुप बहुत खूब कर रहा है और मैं उनकी बहुत दाद देता हूँ और उनको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। जी, हम कभी आपको साथ में वापस फिल्मों में देखेंगे, बहुत चाह रहे हैं कि आप फिल्मों में आ रहे हैं। ये हमारा ट्रेड सीक्रेट है मेरा, मैं लोगों को ये नहीं बताता कि मुझे काम नहीं मिलता, मैं कहता हूँ मैं काम नहीं करता। अपना घर का प्रोडक्शन भी है अगर था तो। नहीं नहीं, अभी क्या है, अभी बच्चों का टाइम है, हमने छोड़ दिया। अभी एकता तुषार कर लगे हुए हैं, दे डूइंग देयर वर्क वेरी वेल एंड आई एम वॉचिंग देम, इट्स अ मोमेंट ऑफ प्राइड फॉर मी। लता जी के लिए कुछ कहोगे? लता जी वो अभी अच्छी चल रहे हैं, पर शी इज नॉट फीलिंग वेल, आपकी क्या शुभकामनाएं? किन के लिए? लता मंगेशकर जी के लिए। ओ लता जी के लिए तो फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट, तहे दिल से उनके लिए दुआएं निकलती है, मेरी नहीं पूरी दुनिया की, नॉट ओनली इंडियंस बट एनीबडी हु नोज हिंदी लैंग्वेज एंड म्यूजिक, दे मस्ट बी ऑल द लैंग्वेज, सभी के लैंग्वेज में भी गाया, उनके लिए बहुत तहे दिल से दुआएं हैं। आई थिंक इट्स समथिंग दैट इज वेरी ऑब्वियस, सबकी दुआएं उनके साथ हैं एंड द नेशन इज प्रेइंग फॉर स्पीडी रिकवरी विच इज़ हैपनिंग राइट नाउ, सो आई एम जस्ट अ स्मॉल वन पर्सन इन बिलियंस ऑफ पीपल हु आर अमंग्स बिलियंस ऑफ पीपल हु आर प्रेइंग फॉर, सो आई थिंक द कलेक्टिव एनर्जी एंड द कलेक्टिव पॉजिटिविटी इज देयर, वी डोंट नीड टू से एनीथिंग। Yeah, it's a pleasure being here and every award is special, this one is doubly special because it comes from society. They've always हमेशा प्रोत्साहन किया है नए टैलेंट का, जिन लोगों ने अचीव कर लिया है उनका, सो दिस इज एक्सट्रीमली स्पेशल एंड टुडे इज गोइंग टू बी वेरी वेरी स्पेशल बिकॉज आई थिंक द मैन हुज अ रीजन फॉर मोस्ट ऑफ अस बिकमिंग एक्टर्स इज सपोज टू बी हियर एंड आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल टू मिस्टर हीरा एंड द एंटायर टीम फॉर इन्वाइटिंग मी। I've grown up watching and reading Stardust and all the other magazines from Magna, and I find Mr. Hira is one of the most colorful, warm, pleasant personalities I've met over the years. He's amazing, and he's what I call a teddy bear. He's just so loving every time I meet him. I've done a film for Magna. I've always been around in all their celebrations, and I'm very fond of the man, and I'm assuming that he's fond of me, which is why he keeps me calling back. थैंक यू वेरी मच गाइस। देखिए ये जब जब भी देश के अंदर बड़े बदलाव आए हैं तो हमेशा उसके पीछे एक मीडिया रही है, इसीलिए उसको जो है चौथा स्तंभ कहा जाता है। और आज इस कार्यक्रम में सोसाइटी ने एक ये बीड़ा उठाया है कि देश में किसने क्या क्या काम किए उसमें उसको सम्मानित करने का जो बनाया है। मैं तो इस लायक हूँ या नहीं हूँ इन लोगों ने देखा है, लेकिन ये हमारा धर्म और फर्ज है कि हम राष्ट्र के लिए हम सोसाइटी के लिए जो कुछ भी कर सकें। लेकिन इससे ज़्यादा ये बहुत बधाई के पात्र हैं मिस्टर अशोक जी, जिन्होंने प्राइड ऑफ इंडिया के नाम से आज ये कार्यक्रम किया, जो सोसाइटी की मैगजीन के डायरेक्टर्स में हैं। लेकिन मीडिया को जो असली काम है वो कि अगर कोई अच्छे काम कर रहा है तो वो चैलेंज के रूप में उसको शो करना, और आज मिस्टर अशोक जी ने जो आज मीडिया के द्वारा ये एक चैलेंज लिया है प्राइड ऑफ इंडिया के नाम से, जिन्होंने सोसाइटी के अंदर डिफरेंट तरीके से अलग अलग काम किए, उसके लिए बहुत सारे बधाई के पात्र हैं, पूरी टीम, पूरी मैगजीन और आप सारे लोग बहुत बधाई के पात्र हैं। मैं सभी का बहुत शुक्रिया, बहुत मुबारकबाद देता हूँ, सबको बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि सभी आज इस कार्यक्रम में आए, वेलकम। और मीडिया का जो मैं या खुद आया हूँ अभी मेहमान बनकर, और अशोक जी और नारी हीरा जी ने बुलाया है, और ये तो हमेशा इनका अवार्ड हमेशा होता है और बढ़िया होता है,
और सोसाइटी के अच्छे अच्छे लोगों को ये लोग अवार्ड देते हैं और इनका कंट्रीब्यूशन सोसाइटी के लिए हमेशा है और मेरी शुभकामनाएं इनको हैं। हाँ, अभी क्या है, मैं जब नया नया आया था तब जब मैं हुकूमत वगैरह बना रहा था तब नारी हीरा जी, इनकी स्टारडस्ट बहुत बड़ी मैगजीन थी, तो उस वक्त इन्होंने मुझे बहुत सहयोग दिया, तो वो प्रेम प्यार आज तक है, तो वो मैं उसको बरकरार रखे हुए हूँ। मेरी तरफ से लता जी, तो भाई अभी मैं क्या बोलूँ, हम सबकी बहुत चहेती, बहुत प्यारी हैं और मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं, उनकी सेहत बहुत जल्दी ठीक हो और बस यही हम शुभकामनाएं कर सकते हैं। वी आर लुकिंग फॉरवर्ड कि शी मस्ट कम बैक एज सून एज इट इज़ पॉसिबल। ओके, थैंक यू। थैंक यू फॉर द ऑनर विच इज़ गिवन टू मी बाय द प्राइड ऑफ द सोसाइटी। थैंक यू सो मच, इट्स क्वाइट एनरेटिंग एंड ब्यूटिफुल। बहुत ही अच्छा लगता है कि एक अवार्ड सोसाइटी मैगजीन के द्वारा मिला है प्राइड ऑन ऑनर्स के लिए। धन्यवाद, थैंक यू। Magna Publishing and Society, the very best for the Pride of India Awards. It's a great honor to be here. So thank you very much. And he's been one of the most senior people in publishing, Stardust, Savvy, first magazine for women, yeah. Savvy, I don't know if you remember it. Of course I do. So I think it's a great award show, and Mr. Nari Hira is so nice that he's promoting so much of young talent, and every time he has these award shows, it's always fun. Last year my mom was here, I think my dad came, now I'm here, so it's all family. प्रार्थना, पूरा देश उनके लिए प्रार्थना कर रहा है, दुआ कर रहा है। हमारे मुल्क की एक आवाज़ बन गई एक तरह से इतने सदियों से, सो आई थिंक दुआई कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं। यस, प्रेयर्स एंड वेरी स्ट्रॉन्ग इंटेंट दैट शी रिकवर्स एंड बी विद अस फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। करते हैं तो ये एक मौका है कि सब जॉय शेयर करने का, यू नो, सो आई फील इट्स रियली इम्पोर्टेंट। जी, कौन? जी, आई रियली यू नो शी इज यू नो सो इम्पोर्टेंट टू ऑल ऑफ अस, शी इज, एंड आई प्रे फॉर हर गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग।
देखिए सोसाइटी अवार्ड बहुत ही अच्छा होता है, मुझे ये पिछले 2 साल पहले मिल चुका है, मुझे आशुतोष गवारेकर हम लोग साथ में हम लोग को मिल चुका है और बहुत अच्छा लगा मुझे कि मुझे यहाँ पे बुलाया गया। बहुत ही प्रेस्टिजियस अवार्ड है सोसाइटी का, अलग अलग क्षेत्र से अलग अलग फील्ड के लोगों को अवार्ड से नवाजा जाता है, यहाँ पे दिया जाता है। दैट्स अ ग्रेट अचीवमेंट, एवरीबॉडी हु हैज कंट्रीब्यूटेड टू द सोसाइटी, फिल्म इंडस्ट्री, एवरीवेयर। सो आई थिंक इट्स अ ग्रेट अवार्ड एंड आई रियली 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 वेरी हैप्पी फॉर ऑल द पीपल हु आर गेटिंग द अवार्ड। मैं भगवान से वही प्रार्थना कर रहा हूँ कि वो दीदी जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए और जिस तरह मैं उनसे बात करता हूँ उसी तरह मैं बात करते रहूँगा।